नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट मंथ से नए राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। हमने 36 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे हैं। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के पास जो सबसे बढ़िया फाइटर जेट है उनके, वो है F-16। और आज हम बात करेंगे F-16 वर्सेज राफेल की, कि इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट अच्छा है और अगर इनका आपस में मुकाबला हो जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी, किसको ज्यादा एडवांटेज रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी पे करते हैं बात शुरू। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो कभी भी F-16 और राफेल जेट का मुकाबला नहीं हुआ है, डॉग फाइट नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों नेटो के ऑपरेशन के दौरान, जिसका अमेरिका और फ्रांस दोनों मेंबर है, तब इनकी जरूर शायद एक दो इनकी एरियल कॉम्बैट हुए हैं, लेकिन वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए होते हैं, वो एक्चुअल फाइट नहीं होती। और दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास F-16 जेट है जो उसने लद्दाख के क्षेत्र में लगा रखे हैं। और आपको पता है जब हिंदुस्तान में ने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, उसके बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट इधर आए थे। और उसके बाद में दोस्तों, हालांकि हमने MiG-21 से ही उनके F-16 को उड़ा दिया था, और उसके लिए आज एक प्रिंट के अंदर एक पब्लिश हुई है रिपोर्ट, जिसके अंदर कम्प्लीटली ऐसे तथ्य दिए गए हैं जिनसे ये कन्फर्म होता है कि F-16 शूट आउट हुआ था, F-16 गिरा था, उसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दूसरी बात है, लेकिन अगर कभी राफेल और F-16 का मुकाबला हो जाए, क्योंकि ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अभी कश्मीर इशू को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है, तो ऐसे में अगर दोबारा डॉग फाइट होती है तो कौन एडवांटेज में रहेगा। दोस्तों इसके लिए मैंने एक विश्लेषण किया है इनकी बेसिक चीजों का कंपैरिजन करके, और उससे आपको भी पता लग जाएगा कि किसको ज्यादा फायदा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। राफेल फाइटर जेट के अंदर दो इंजन लगे हुए हैं, जबकि F-16 के अंदर एक सिंगल इंजन लगा हुआ है। तो आप इसे समझ सकते हैं राफेल के अंदर ज्यादा एडवांटेज है। दूसरा दोस्तों, राफेल जो है वो दो तरह के मॉडल आते हैं, शोर बेस्ड और एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड, यानी कि नेवी, इसका नेवल वर्शन भी आता है और नेवी भी इसे इस्तेमाल कर सकती है, जबकि F-16 का ऐसा कोई वर्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि 3000 अभी तक टोटल F-16 है, जिसे 25 कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। और दोस्तों अगर हम डायमेंशन की बात करें तो विंग स्पैन को देखें तो राफेल के विंग स्पैन 10.90 मीटर है, और जबकि F-16 के विंग स्पैन 9.96 मीटर है। वहीं अगर लेंथ की बात करें तो राफेल की लेंथ 15.30 मीटर है और F-16 की जो लेंथ है वो 15.06 मीटर है। और उसके बाद अगर दोस्तों इस तरह के डायमेंशन को देखने के बाद दोनों फाइटर जेट सेम ही लगते हैं, लेकिन अगर एम्प्टी वेट की बात करें तो राफेल का वेट 10 टन है और जबकि F-16 का वेट 9.2 टन है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो राफेल 24.5 टन वेट लेके जा सकता है और F-16 जो है वो 21.7 टन वेट लेके जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज के अंदर अगर हम देखें तो राफेल को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये ज्यादा वेपन लेके जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, तो इसमें F-16 को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। F-16 की जो रेंज है वो 4220 किलोमीटर है, जबकि राफेल की रेंज है 3700 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैक्सिमम स्पीड की, तो राफेल की स्पीड है 2130 किलोमीटर और जबकि F-16 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2414 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज F-16 को मिलता है, जबकि दोस्तों सर्विस सीलिंग जो दोनों की वो 50,000 फीट है। वहीं दोस्तों अगर हम वेपन की बात करें तो F-16 के अंदर आते हैं पेंगुइन एंटीशिप मिसाइल, क्लस्टर बॉम्ब, AIM-9 साइडविंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-120 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और GPS गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। वहीं अगर राफेल की बात करें तो राफेल के अंदर माइका एयर टू एयर मिसाइल, कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसके अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब और AM-39 एंटी शिप मिसाइल और GIAT-30 इंटरनल कैनन लगी हुई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हालांकि दोस्तों दोनों के अंदर अलग जो वेपन है उनकी क्षमता लगभग एक जैसी है। राफेल के अंदर जो मिसाइल्स लगी हुई हैं माइका या मीटियोर, वो वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो इससे क्लियर एडवांटेज राफेल को मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो राफेल को विनर माना जा सकता है। उसका एक रीजन ये है कि F-16 जो है वो फोर्थ जनरेशन का फाइटर है और काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, और पाकिस्तान भी इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है, और राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, तो क्लियरली इसको हाफ जनरेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों राफेल है न्यूक्लियर केपेबल फाइटर जेट है, और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है,
जो सबसे बड़ा एडवांटेज देती है इसे F-16 के ऊपर में। और दोस्तों अभी ये जो मैंने विश्लेषण किया है, दोनों का कंपैरिजन किया है, ये मैंने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है F-16 या राफेल के उसके हिसाब से किया है, जबकि जो इंडियन राफेल आ रहा है उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से है। और इसके पीछे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, अपोजिशन गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहा था कि आप राफेल की डिटेल नहीं दे रहे हैं या आप इसके बारे में बता नहीं रहे, तो गवर्नमेंट का कहना था कि आप दुश्मन तक ये सारी बातें बता के और हमारा एडवांटेज छीनना चाहते हो तो ये उनके पक्ष में जाएगा, ऐसी बात हुई थी। तो दोस्तों इसलिए ये अभी अवेलेबल नहीं है कि कौन से वेपन लगे होंगे या किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होंगे या क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से बना फाइटर होगा वो जो करंट इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है उससे ज्यादा बेटर होगा, चाहे उसमें रडार सिस्टम, मिसाइल्स या किसी भी लेवल पे हम बात करें। तो दोस्तों अगले महीने पहला राफेल मिल भी जाएगा और उसके बाद कंटिन्यूस ये मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो बातें नई अपडेट इस पे आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।